Hello students, welcome back. Guys, AILT, CLAT, Masters, CLAT, LLM और Masters के जो exams होने वाले हैं 2020 के, उससे regarding हम लोग की series start हो चुकी है. Guys, ये जो question paper है, मैंने अभी तक question 35 questions का analysis कर लिया है. गाइज यहाँ मैं दो पेपर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, सॉल्व नहीं बल्कि एनालिसिस करने की कोशिश करूंगी आफ्टर टू पेपर्स. लाइक आफ्टर अराउंड 200 पेपर्स वी विल बी गोइंग थ्रू द डीप स्टडी और द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर कंटेंट. सो हम लोग क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे हमें ये पता रहे कि हमें किस डायरेक्शन में या किस कंटेंट में किस सब्जेक्ट में क्या हमें पढ़ना है. क्योंकि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ज्यूरिसप्रूडेंस है तो ज्यूरिसप्रूडेंस इज वेरी वास्ट, सो वी कांट गो थ्रू एवरी सिंगल कंटेंट, एवरी सिंगल केस एंड ऑल दैट. सो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग किस डायरेक्शन में आगे तैयारी करें कि जिस तरीके से वो एकदम फ्रूटफुल तरीके से आपको मिले. सो अभी तक किसी सीरीज में हमने 35 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है. सो गाइज, कनेक्टिंग टू दैट वीडियोस, कनेक्टिंग टू दैट एनालिसिस, हम लोगों का एनालिसिस फिर से मैं रिपीट करवा रही हूँ. और गाइज, ये मैं हर वीडियो में जब तक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस टिल 200 क्वेश्चन जब तक एनालिसिस पूरा नहीं होगा तब तक मैं हर वीडियो में कनेक्ट करते रहूंगी. सो दैट यू डोंट हैव टू गो बैक एंड गो थ्रू द होल लाइक वीडियो एंड ऑल दैट. सो मैं उसको कनेक्ट करके इस वीडियो में स्टार्ट करूंगी सो दैट एक कनेक्टिविटी बनी रहे और उसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करके आगे कंटेंट को पढ़ाते चले. सो हम लोगों ने अभी तक देखा ज्यूरिसप्रूडेंस में एनालिटिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, ये स्कूल्स के मैटर में दो इम्पॉर्टेंट स्कूल है. देन थर्ड कंटेंट इज एचएलए हार्ट एंड हिज रूल्स ऑफ रिकग्निशन, थर्ड कंटेंट. एंड फोर्थ में हमारे पास हॉफिल्स ड्यूरल कोरिलेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा अब हम कमर्शियल लॉ की तरफ बढ़ते हैं तो कमर्शियल लॉ में हमारा जो एक कंटेंट है बेलर बेली, पॉनर पॉनी एंड गारंटर गारंटी, ये कंटेंट जो है इस कंटेंट से रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन नहीं मिस करना है क्योंकि जनरली मैंने मास्टर्स के क्वेश्चन में देखे हैं कि ये सिक्स टर्म्स जो है बेलर बेली, पॉनर पॉनी एंड गारंटर गारंटी, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस जनरली पूछे गए हैं. देन कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो स्टेट इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी. देन कमिंग टू फंडामेंटल राइट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स में भी कौन कौन से आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 19 एंड 21. एंड उसके बाद आपको आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल से रिगार्डिंग प्रोविजंस जो हैं वो हमने कवर किया है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. और गाइज, होप आप लोग को नोट्स बना रहे होंगे. और गाइज, मैं इसलिए बोल रही हूँ नोट वीडियो के साथ साथ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए मैं बनाने के लिए बोल रही हूँ सो दैट आफ्टर 200 क्वेश्चंस आप खुद एनालाइज कर सको, आप खुद देख सको कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है और किस तरीके से आपको अपना पैटर्न, अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करना है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर आज 36 है. सो गाइस, ये आपको इम्पोर्टेंट केस लॉ एंड वन मोर थिंग मैंने मिस कर दिया केस लॉ से रिगार्डिंग. हमारे पास इम्पोर्टेंट कंटेंट क्या था, रीसेंट केस लॉज, रीसेंट केस लॉज एंड डेवलपमेंट्स. और रीसेंट डेवलपमेंट्स में भी गाइज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक कंटेंट बताया था, हरीश सालवे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ क्वींस सॉलिसिटर. सो ये कंटेंट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है क्योंकि ये 2018 के क्वेश्चन में एक कंटेंट पूछा गया था जिसमें 2017 में कुछ लॉ के मैंने ये प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है, आप लोग उसको ध्यान दिया होगा उसमें, उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था. सो हमारा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो हमारा आपको इम्पॉर्टेंट केस लॉस लाइक रिसेंट केस लॉस एज वेल एज आपको इम्पॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो यहाँ पर भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जो इस क्वेश्चन को मैंने से, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग बात की गई है, आईपीसी से रिगार्डिंग बात की गई है और आपको ये लाइक सीआरपीसी की भी बात है. तो इसमें एक क्वेश्चन है वो डिटेंशन से, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन से रिलेटेड. ओके, इन इंडिया द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज,
यहाँ पर आपको स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट के बारे में बात की गई है, क्योंकि ये अगर आप ये क्वेश्चन को देखोगे, मैं सारे ये क्वेश्चंस भी आपको जब वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे एक सीरीज में, तो मैं ये क्वेश्चंस भी कवर करूंगी, लेकिन एकदम लास्ट में, सो दैट हम लोग एनालाइज कर सके कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, डायमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डायमनम. आई थिंक गाइस टॉर्स का ये कंटेंट अगर आपने मिस कर दिया तो आपने टॉर्स नहीं पढ़ा है. डायमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डायमनम, इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोटेड डाउन. ट्रेडमार्क गाइस, अभी रिसेंट अगर हम देखें, रिसेंट चेंजेस, रिसेंट अमेंडमेंट जो सिलेबस में हुए हैं, यूजीसी नेट ने तो 2018 जून से अमेंडमेंट किया था, लेकिन क्लैट और मास्टर्स के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसमें क्लैट एलएलएम और मास्टर्स के जो मेजर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स हो रहे हैं, उन लोगों ने इसमें डेवलपमेंट आपको 2017 में ही चेंज कर दिया था पैटर्न, 17-18 के आसपास. सो उसमें उन्होंने आईपीआर को थोड़ा इम्पोर्टेंस ज्यादा दी है, तो आईपीआर भी एक हमारे पास एक कंटेंट में निकल के आ रहा है. ओके, और फिर इस क्वेश्चन को वही हम लोग लीगल डेवलपमेंट से, जो रिसेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कंटेंट है उसमें हम लोग कवर करेंगे. मैं एक वीडियो सीरीज आपको एक अलग से बना दूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विदिन लाइक 2018-19, दोनों का मैं कवर कर दूंगी. और गाइस, कुछ व्यूअर्स ने मुझसे बैक टू बैक फिर से क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट केस लॉज और जजमेंट्स की बात की है, तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है, आप लोग उसमें कमेंट करो, फिर आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग मैं उस पर काम करूंगी. ओके, अगेन डैमेजेस से रिलेटेड है ये, टॉर्स का क्वेश्चन है, डैमेजेस इंपॉर्टेंट है गाइस, लिख लीजिएगा. इंजूरिया साइन डैमनम, मतलब डैमेजेस जो कंटेंट है टॉर्स में वो एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है. ओके, यहाँ पे कोर्स के बारे में बात की गई है मोर और लेस. अगर हम इंपॉर्टेंट कंटेंट पे जाते हैं तो ये एक जस्ट है इन जनरल टर्म, इन जनरल जो क्वेश्चन है लॉ से रिगार्डिंग वो है, एज सच हम कंटेंट पे अभी इस क्वेश्चन को लेकर नहीं जा सकते. ओके गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्लैट का, ऑलवेज दे हैव बीन आस्किंग द सेम क्वेश्चन विद द सेम कंटेंट, एंड दैट इज द लेटेस्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट. लेटेस्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट के लिए इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैंने 3 years के क्वेश्चन पेपर देखे, एंड इन एवरी क्वेश्चन पेपर, बीट AILT, बीट क्लैट, बीट एनी मेजर यूनिवर्सिटीज और एग्जाम, द लेटेस्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट, आपको लेटेस्ट लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको पूरा गो थ्रू करना है. सो उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी एक वीडियो में, उसके लिए भी आप नोट डाउन कर लो, मैं उससे रिगार्डिंग एक वीडियो उसके अलग से कंटेंट मैं उसे प्रोवाइड करूँ, क्योंकि ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट. सो आपको इससे रिगार्डिंग एकदम भी कोई भी टॉपिक लीव नहीं करना है. ओके, ये अगेन ये आईपीसी के कंटेंट आ गया गाइस. आईपीसी अगर क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही सिलेबस के एनालिसिस में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिसप्रूडेंस, फैमिली लॉ भी है, एंड कमर्शियल लॉ, ये चार जो है वो आपको मास्टर लेवल के जो लॉ के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट है. रेस्ट छोटी छोटी कंटेंट है, एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको वो थोड़े से कंटेंट के लिए आपको ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें 5 years अपना दिया है. सो दैट इज समथिंग नॉट मच इम्पॉर्टेंट. हमें जो मेन फोकस करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन पे, ज्यूरिसप्रूडेंस पे, और हमारा कमर्शियल लॉ पे. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यूरिसप्रूडेंस एक सिंगल वर्ड मिस नहीं करना है. अगेन आईपीसी, देन अगेन ओके, जैसा मैंने बोला, रिसेंट जजमेंट क्यों बोल रही हूँ, आपको सामने दिख जाएगा, ये 2016 का क्वेश्चन है, इसमें भी रिसेंट जजमेंट की बात की गई है, तो रिसेंट जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आईपीसी सॉरी गाइस, यहाँ पे लोगों ने एलपीसी लिख रखा है, इट्स आईपीसी.
ओके आईपीसी में एक कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बार मैं बताना चाहूंगी, ये 34 और 1 सेक्शन 34 और 120, 34 इज कॉमन इंटेंशन एंड 120 ए इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो ये जो कंटेंट है कॉमन इंटेंशन एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसके डिफरेंस हमें बहुत बेसिक तरीके से क्लियर करने हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है, अभी मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे ध्यान आया, मैंने ये एनालाइज किया है कि जो क्वेश्चन है उसमें सेक्शन 34 ऑफ 120 ए की कंपैरिजन कभी सिचुएशन दे देगा कि इसमें 34 है 120 ए है, लाइक आप 34 ऑफ 120 ए को आपको बिल्कुल क्रक्स में जानना है, बिल्कुल उसका ए टू जेड जानना है, सो दैट वॉट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो 34 ऑफ 120 ए नोट डाउन कर लीजिए, ऑल्दो मैंने बोला कि आईपीसी को ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आईपीसी भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, अगर कोई कंटेंट को इंक्लूड किया गया, सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एज मच एज इंपॉर्टेंट टू अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, सो उसमें भी अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो प्लीज नोट इट डाउन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 120 ए ऑफ आईपीसी, एंड इनका बेसिक डिफरेंस बहुत जरूरी है क्लियर करना। और एक चीज और थी, सेक्शन 73 को मैंने देखा जनरली बहुत बार पूछे, ऑल्दो सेक्शन 73 अगर आप देखो यही क्वेश्चन ही आएगा, ऑल्दो एकदम सेम क्वेश्चन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम पीरियड, आई डोंट नो कि ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लाइक इतना कुछ मेजर नहीं है, लेकिन ये मैंने ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड यूजीसी नेट के पेपर में बैक टू बैक देखा है, मैंने क्लैट ये तो AILT है, मैंने मेजर जो NLU's के कुछ NLU's भी एग्जाम लेते हैं, NLU दिल्ली लेते हैं अलग उनका एग्जाम होता है, उसमें मैंने देखा है। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको टर्म याद रखना है, पीरियड याद रखना है। ओके अगेन आईपीसी, ओके गाइस, अगर आप मैं आपको फिर से बोलूंगी कि मेरे क्रैश कोर्स की सीरीज जो यूसी नेट की है वो वीडियोस आप देखो, उसमें मैंने आई थिंक मोर देन 1000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, आई थिंक अराउंड 63-64 वीडियोस उसमें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने ए टू जेड सारा कंटेंट कवर किया है, जो क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए कि इंपॉर्टेंट केस लॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट केस लॉज, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस इंटरनेशनल, बीट ज्यूरिसप्रूडेंस इंटरनेशनल और कॉन्स्टिट्यूशन और एनी रैंडम लाइक सेइंग अबाउट सेइंग ऑफ एनी ज्यूरिस्ट एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें मैंने वहां कवर की है, एक नेक्स्ट लेवल लाइक एक बहुत ही मैंने उसको क्राइटेरिया वाइज डिवाइड करके स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस अपलोड किए, उसके बाद मैंने उसमें बहुत सारे सेग्रीगेट करके मैंने और कंबाइंडली भी किया है। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू आप उसे देखो, क्योंकि आपका जब तक ये कंटेंट मैं इधर करवाऊंगी सो आपको खुद में भी सेल्फ स्टडी करना है गाइज, ऐसा ना हो कि मैं आपको सिर्फ 15 मिनट्स का वीडियो दे रही हूँ एंड यू आर थिंकिंग कि ओके आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट ऑफ 15 मिनट्स वीडियो एंड यू विल बी क्रैकिंग द एग्जाम। गाइज आई एम जस्ट गिविंग यू द गाइडेंस, आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रॉपर डायरेक्शन एंड आई एम जस्ट सॉल्विंग योर क्वेरीज एंड डाउट्स लाइक बेसिक डाउट्स, एंड यही होता है कि आप सिर्फ उस 15 मिनट्स के वीडियो पे आप डिपेंड करके आप एग्जाम को क्रैक करने का मत सोचना गाइज। गाइज सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो सेल्फ स्टडी के लिए आप अपना लाइक 101% दोगे तो आपको रिजल्ट वहां पे दिखेगा। सो आप अपने से तैयारी करते जाओ, और मैं बता रही हूँ मैंने गाइडेंस, इफ यू आर थिंकिंग कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी जो गाइडेंस है वो एकदम जो मैंने शॉर्ट टर्म में यूज किया था शॉर्ट टाइमिंग में वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो गाइज मैंने जो एग्जाम जो क्रैक किए हैं तो वो मैंने बिल्कुल एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में किए हैं, सो मैंने जो टेक्निक मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन उस बिसाइड दैट आज मेरे को बहुत हार्ड वर्क करना होगा। सो गाइज ये मत सोचना कि सिर्फ 15 मिनट्स के वीडियो के बाद आप कोई एग्जाम क्लियर कर लोगे, आपको खुद में सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, और उस सेल्फ स्टडी के लिए आप वीडियो की गाइडेंस ले सकते हो, और वही मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने बहुत सारे अपलोड कर दिए हैं जो कि यूजीसी नेट की सीरीज में है, और वो गाइज ये मत सोचिए कि वो सिर्फ यूजीसी नेट के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको मास्टर्स के भी हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, और ये चीज मैं बैक टू बैक हर वीडियो में बता रही हूँ, सो आप लोग इसे बिल्कुल भी मत मिस करना। ओके गाइस, सो आईपीसी में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंटेंट 299 एंड 300, ये मैंने यूजीसी नेट की भी सीरीज में बोला है, 299 एंड 300 कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर,
बेसिक आपको पता होना चाहिए, उनके एक्सप्लेनेशंस, उनके सब सेक्शंस, उससे रिगार्डिंग मेजर केसेस, लाइक यू डोंट हैव, मतलब आप एफोर्ड भी नहीं कर सकते उसे मिस करना. तो चांसेस है कि, चांसेस नहीं, इनफैक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा. क्या आपको डिफरेंट डेफिनेशन से रिगार्डिंग पूछ लेगा, एक्सप्लेनेशन से रिगार्डिंग पूछेंगे, या आपको बेसिक इलस्ट्रेशन पकड़ा दिया जाएगा एंड यू हैव टू एनालाइज वेदर द इलस्ट्रेशन इज फॉलिंग अंडर सेक्शन 299 और इट इज फॉलिंग अंडर सेक्शन 300. सो द क्रक्स ऑफ द कंटेंट इज दैट यू हैव टू गो थ्रू दैट बेसिक एनालिसिस, बेसिक डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300. ओके गाइज, ये तो हमारे 15 क्वेश्चंस का एनालिसिस हो गया है. गाइज, अपने कोई भी सजेशंस है, कोई भी फीडबैक है, क्वेरी है, और किसी भी तरीके का डाउट है, या इफ यू वांट एनी समथिंग वेरी समथिंग पर्टिकुलर, कोई टॉपिक चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप उसे मैसेज में प्रोवाइड करो. आई विल ट्राई टू लुक इन थ्रू दैट एज सून एज पॉसिबल. और गाइज, अगर आपको किसी भी टाइम कोई कंटेंट लग रहा है कि इनअप्रोप्रिएट है या गलत है, तो आप उसे भी कमेंट में प्रोवाइड करो और मैं उस वीडियो को एडिट कर दूंगी. ओके गाइज, तैयारी करते रहो बढ़िया से. सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप गाइडेंस ले लो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी करना है. सो गिव योर 101% एंड डेफिनेटली यू विल बी क्रैकिंग दिस एग्जाम इन अ वेरी स्मूथ मैनर. ओके गाइज, टिल देन बाय बाय.